हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सा बिग इवेंट आ रहा है नेक्स्ट। तो आने वाले टाइम में कौन सा बिग इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ नेक्स्ट? कौन सा एक बिग इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जो आपको आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में पता चलेगा? तो कौन सा बिग इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या हो सकता है वो इवेंट, तो इसको हम पता लगाएंगे रीडिंग के थ्रू, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो जब भी आप यहां तक पहुंचे, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा बिग इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या बिग इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है अगला। लेट्स सी, वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। And we have the silver waterfall. Serendipity. Wow, commitment. कुछ लोगों के लिए सच में commitment हो सकता है, क्योंकि divine masculine यहाँ present है। And worthiness. Beautiful. पहले मैं आज सारे cards निकाल लूंगी, then मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रीडिंग, ठीक है? ओके, क्वेस्ट एंड परफेक्शन, impartiality, oh my god, and self-worth, beautiful. बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको अभी मीनिंग क्या है इन कार्ड्स की। कुछ कार्ड्स टैरोट से भी निकाल लेते हैं, देन स्ट्रेंथ, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, Queen of Wands, Seven of Pentacles, we have Ace of Wands, we have Queen of Pentacles, Two of Pentacles and the Knight of Cups, okay, and Knight of Pentacles का भी card है। मैंने cards निकाल लिए हैं, अभी मैं थोड़ा सा arrange कर देती हूँ उन्हें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या मीनिंग्स हैं इन कार्ड्स के। क्या बिग इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके सिचुएशन आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप पता लगा पाएं कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो और थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो। किस चीज़ के लिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हो? हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। अब ये जो भी जो नई चीज आप करने के बारे में सोच रहे हो, ये ठीक से पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसी चीज को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। इनसिक्योरिटी आपके अंदर आई हुई है राइट नाउ, और आप काफी खुद को अकेला, और आज के दिन तो स्पेशली आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे आप थोड़े से उदास दिख रहे हो आज, और थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा है मुझको ये कार्ड देखकर कि आप ना दूसरों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल,
ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के पेरेंट्स को देख रहे हो, देन अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, देन आप कंपेयर कर रहे हो, या आप दूसरे बच्चों को देख रहे हो, खुद के बच्चों को देख रहे हो तो आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप खुद की इंडिविजुअल लाइफ को देख रहे हो और दूसरों की लाइफ को देख रहे हो कि दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है आपसे, कितना फन है, कितनी केयर है उनके पास, ठीक है, कितना प्यार उन्हें मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह का कुछ ना कुछ कंपेरिजन भी आप कर रहे हो और थोड़ा सा उदास हो आज के दिन आप, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप में है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा हैवी नहीं होने दोगे खुद पर और आप इस चीज़ से बाहर भी निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप इनफ अर्न कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी केयर खुद से कर सकते हो, अपनी हैप्पीनेस खुद से क्रिएट कर सकते हो, तो आप वापस से अपनी एनर्जी में आ जाओगे, ऐसा मुझे बिल्कुल यहाँ लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ की आपके अंदर कमी नहीं है। ये चीज़ें हो सकती है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आप सोच रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, रिजल्ट की चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, ठीक है। फिर चाहे ये किसी भी फैक्टर के बारे में बात हो रही हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, कोशिश करना आपका काम है, देन रिजल्ट देना भगवान का काम है, ठीक है। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में ये जो अकेलापन है और जो डिले है, ये एक टाइम तक चलेगा, ठीक है, लेकिन ये ख़त्म भी हो जाएगा। ये आप ही के हाथ में है कि कितनी जल्दी आप यहाँ से खुद को मूव ऑन करते हैं और इस न्यू बिगिनिंग को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका काम है हार्डवर्क करने के साथ साथ आगे बढ़ना, ठीक है। हर दिन कोई नया पैटर्न सीखो, हर दिन अपने नॉलेज को एनहांस करो, क्योंकि आपके लिए इस टाइम हार्डवर्क करना मस्ट है, ठीक है, और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना भी आपके लिए मस्ट है। तो ये कुछ सिचुएशन है आपकी राइट नाउ जो आप फेस कर रहे हो, स्पेशली आज के दिन तो आपने ये चीज़ फेस करी है। आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, आप बहुत अकेले भी हो, लेकिन मुझे इतना आप पर विश्वास है और मुझे इतना पता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है और डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर भी जल्दी ही आ भी जाओगे, और कुछ लोग आ भी गए होंगे, ठीक है। वेट थोड़ा सा हो जो आपको करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न है, कब तक, लेकिन डोंट वरी, आप मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो। सरेंडिपिटी, आपको पता है कि आपके आप ये जो चीज़ें जो आपको मिलेगी आपका नसीब है, आपके नसीब में लिखा है, तो 100% मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये अश्योरिटी है कि अब जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ना इमेजिन करते हो, क्योंकि आप खुद पर भी बिलीव करते हो। तो इसी तरीके से आपको इतना पता है कि आप टाइम के साथ आगे बढ़ोगे और चीज़ें आपको मिलती रहेगी, जो भी आपके लिए लिखी गई है, जो भी आपके नसीब में, आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इवेंट पर, कौन सा बिग इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो आगे, ठीक है। सबसे पहली बात है गाइस, देखो, जो भी न्यू बिगनिंग आपने सोची है ना अपने लिए, उसमें आप काम करोगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके पास सेल्फ वर्थ आ रहा है। आप परफेक्शन का जो कार्ड है आप देख सकते हैं, आपके हाथ में दो फ्रूट्स हैं और ये आपका रिजल्ट है जो आपके हाथ में है, और इसे पाकर आप बहुत खुश हो, ठीक है। अब कुछ के लिए ये जॉब हो सकता है, कुछ के लिए स्टडी वीज़ा हो सकता है, कुछ के लिए पीआर वीज़ा हो सकता है, कुछ के लिए बिजनेस हो सकता है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने उस पर स्टार्ट कर दिया है, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आपको मैं बता रही हूँ, आपका नेक्स्ट जो इवेंट है ना, वो आप इस अचीवमेंट को ही सेलिब्रेट करोगे। ये सेलिब्रेशन ही आ रहा है आपकी लाइफ में। आप इस टाइम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली पेंट कर रहे हो, इसको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आप गाइडेंस लेते हुए भी दिख रहे हो, जिस भी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हो उसके लिए आप काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, और मुझे लगता है कि यही हार्ड वर्क आपको सक्सेस के पास लेके जाएगा, जो कि आपको मिलनी ही मिलनी है। ये दोनों फ्रूट्स आपके हैं, आपको एक चीज़ नहीं, आपको दो चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसा, ठीक है। दो चीज़ें हो सकता है कि आपके करियर में भी आपको सेल्फ वर्थ और सक्सेस मिल जाए, एज वेल एज आपके इस सक्सेस के मिलने के बाद ही आपके पार्टनर भी आपके पास आ जाए, क्योंकि आपके यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन है और यहाँ पर एक कमिटमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बिग इवेंट ये कमिटमेंट ही हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। ये सेल्फ वर्थ के साथ साथ आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, तो टाइम बहुत अच्छा है। देखो, मेहनत जो करता है उसको सक्सेस भी मिलती है, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों के लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो, भले ही अभी आप अकेले हो, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो कि आप बना भी पा रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यस,
धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप डायरेक्शन अच्छी आगे अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, और आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसे होने वाली है जो आपने मांगी थी और वो आपको मिल भी जाएगी। एक ऐसा बिग इवेंट आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ ही चेंज कर देगा, ठीक है? आप वर्थी हो, इस चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर दो कि आप आपके अंदर वर्थ है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें गाइज मैं यहाँ पर बिल्कुल देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। डेफिनेटली ये बिग इवेंट आ रहा है। अब ये बिग इवेंट कब तक आपको रिसीव हो जाएगा ना, ये आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है गाइज। देखो रिलेशनशिप भी आ रहा है आपके पास, ये रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, नो डाउट। फॉरगिवनेस एंड वी हैव सेल्फ स्टीम। मुझे क्या दिख रहा है ना कि डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा आपका जो औहदा है वो बढ़ने वाला है, ऑनरशिप आपके पास आ रही है, और जो भी लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था वो उस टाइम पर आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। तो कुछ के लिए बिग इवेंट ये भी हो सकता है, जिसको भी इंतज़ार है कि जिन्होंने गलत किया है आपके साथ और वो आके सॉरी बोलें, तो ये भी कुछ कुछ के लिए बिग इवेंट हो सकता है, ठीक है? पर्सन आपको आके सॉरी बोलेंगे जिन्होंने भी गलत किया है आपके साथ, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट किया या आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करी, ठीक है? नाउ अब हम एंजल आंसर्स देख लेते हैं, एंजल आपको क्या बताएंगे। अगर आपके माइंड में कोई आंसर है तो आप रखिए क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में है तो ठीक है, हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए। एक आंसर दिया है हमें हेल्पफुल पीपल। देखो ये टारगेट अचीव करने के लिए 100% आपको एंजल हेल्पफुल पीपल आपके लिए अरेंज करेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने में। अब देखिए गाइज, अब बुरा मत मानना, जो आंसर गॉड ने दिया है वो दिया अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपको 1 साल लग सकता है ये अचीवमेंट पाने में, आज से ठीक 1 साल, मीन्स 20, ये जो 2022 आ रहा है ना, इसी में ही आपको आपका जो सक्सेस आपको अचीव करनी है या रिलेशनशिप वो आपको मिल जाएगा आने वाले साल में ही, ठीक है? इस बात पर ट्रस्ट कीजिए, इस बात पर बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, और आप कर सकते हैं ट्रस्ट और रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए जितना हो सके, क्योंकि 1 साल का टाइम दे बोल रहे हैं डिवाइन आपको, ठीक है? जो चीज़ आज शुरू करी है वो आज ही उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा ना उसमें, तो वही चीज़ है बस, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए टाइम के साथ और मेहनत करते रहिए। ब्रिज इनर स्ट्रेंथ, इस टाइम इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ये चीज को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करो कि आपके पास पावर है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको गाइज मेहनत करनी है और ये याद रखना है कि आप एक पाथ पर हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए स्टेप लेते रहें। बिल्कुल वाह राधा, हम अभी आपके लिए यहाँ पर आए हैं और कह रहे हैं कि डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपको डेफिनेटली रीडिस्कवर करना है अपना लॉस्ट पार्ट, और आप उसे कर सकते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस कीजिए रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक एक एक्सपीरियंस सॉरी एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, अपनी हार्मनी और हीलिंग पर फोकस कीजिए, खुद के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए, अपनी हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, स्टेप लें अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है? इस अब इन स्टेप को लेने से अगर कोई चैलेंज आता है तो उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं आप इन्हीं को ही पार करोगे और इन्हीं चैलेंजेस को फेस कर कर ही आप अपना इनर वर्क भी करोगे, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं इनर वर्क कैसे करें, तो गाइज ये देखिए कि आपकी हैप्पीनेस के बीच में चैलेंज कौन सा आ रहा है, क्या चैलेंज क्रिएट हुआ है आपकी हैप्पीनेस के बीच में, देन उस चैलेंज को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे उसको उस चैलेंज को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, यही है आपका इनर वर्क, इसे ही कहते हैं इनर वर्क, ठीक है? तो जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलता है। तो गाइस यही थी रीडिंग आपके लिए। आपकी लाइफ में बिग इवेंट आएगा और ये इवेंट आपको खुद ही अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अपने हार्ड वर्क के थ्रू, ठीक है? इजीली बैठे बिठाए नहीं है ये, आपको इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन जिन्होंने लगा दिया ना उनको 100% रिजल्ट भी मिलेगा।
ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।